राम मंदिर जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर एसडीएम के हाथों राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। जी हां, जैसे आप सभी को ज्ञात होगा कि विगत कुछ दिनों पूर्व से राम मंदिर के घोटाले को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसी मामले के तहत एक नया मामला प्रकाश में आया है, जो कि कानपुर देहात में कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार पर राम मंदिर जमीनी घोटाले का आरोप लगाया है। आरोप में 2 करोड़ की जमीन को 8 गुना अधिक मूल्य पर संस्था द्वारा पैनामा कराए जाने पर कांग्रेसियों ने मामले से जुड़े लोगों की उच्च न्यायालय से जांच कराने और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करी है। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश कटियार ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने भगवान राम को भी नहीं बख्शा है तो क्या गरीब जनता का क्या खाक भला करेगी। और ये सरकार राम नाम का सहारा लेकर करोड़ों का घोटाला करने वाली सरकार है, इसे तत्काल इस्तीफा देकर अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। नरेश कटियार द्वारा अवगत कराया गया है कि आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित मामले से जुड़ा ज्ञापन सौंपा गया है और ये मांग की गई है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों को न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रहे और ऐसी निकम्मी सरकार पर लोगों का भरोसा खत्म हो जाए। अध्यक्ष जी, आप जो है जिला कलेक्ट्रेट आ जाएं, क्या मामला था? ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। जो पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है, जो जमीनों की खरीद फरोख हो रही है, उसमें जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है कि जो 2 करोड़ की जमीन ली गई, ठीक 10 मिनट बाद वही जमीन 18 करोड़ की जो संस्था ने ली है, ये जो 16 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है, उन लोगों के खिलाफ हम चाहते हैं सख्त सख्त कार्रवाई हो और मतलब न्यायालय से, उच्च न्यायालय से इसकी जांच कराई जाए। जो भी दोषी व्यक्ति हो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जितने भी ये एक माफिया ग्रोह चलता है, जैसे अमित शाह जी का लड़का ने 50,000 से काम शुरू किया था और पता चला 50 लाख एक साल में उनका प्रॉफिट हुआ। अगर ऐसे ही बिजनेस ये कर रहे हैं, अगर ऐसा बिजनेस कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों को वो बात बताएं कि ये बिजनेस करिए, इससे देश की गरीबी हट जाएगी, बेरोजगारी हट जाएगी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में ला कर अगर देंगे तो निश्चित तौर पर गरीबी हट जाएगी। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये माननीय प्रियंका गांधी जी का आदेश है, माननीय अजय सिंह लल्लू का आदेश है। ये पूरे प्रदेश में इसका आज धरना प्रदर्शन मुख्यालय पर हो रहा है, जिसका ज्ञापन दिया जा रहा है। जो मैंने भी परगना मजिस्ट्रेट जी आए थे उनको ज्ञापन दिया है और मैं विश्वास रखता हूँ कि प्रशासन इसमें जो हमारा उच्च न्यायालय से जो जांच कराने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं इसको भेजता हूँ, करवाई जाएगी। इसमें न्याय चाहिए, कांग्रेस के लोगों को न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं होगा तो ये मामला बहुत आगे तक बढ़ेगा और इसमें धरना प्रदर्शन की बात छोड़ो, रोडें भी जाम होंगी, इंकलाब आएगा, कांग्रेस शांति से नहीं बैठेगा। ये बात मैं आपके बीच में कहना, कांग्रेस पार्टी।